हुआ सब कैसे फिर से वापस आ चुका हूँ। पूरा टाइम खाली टीजी करता रहता है, यही चल रहा है आजकल मेरे नए वीडियो के साथ। एंड आज को हम बात करने वाले हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे बोला है कि नहीं जनता? आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यस, आज को हम बात करेंगे फ्री फायर प्रो लीग के ग्रैंड फाइनल के टॉप 5 टीम्स टू वॉच आउट फॉर के बारे में। तो ये जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करना चाहेंगे, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हमारा टारगेट है जनवरी खत्म होने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। टिल देन शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे टॉप 5 लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं एक डाउट आप लोगों का क्लियर करना चाहूंगा। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये हेड स्टार्ट पॉइंट क्या है, एंड कमेंट्स में मैंने बहुत ज्यादा ये कमेंट पढ़ा कि यार हेड स्टार्ट पॉइंट बता दो औरो भाई। तो मैं जरूर से आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूं। सो बेसिकली हेड स्टार्ट पॉइंट ये है कि जब भी कोई गरीना का ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है, एंड मान लो 12 टीमें क्वालिफाई हो रही है या फिर 18 टीमें क्वालिफाई हो रही है, मोस्टली 12 टीम ही होती है, 18 कभी होता नहीं है। 12 टीम ही अगर क्वालिफाई हो रही है तो उनके रैंक के हिसाब से चलो मान लेते हैं कि रेवेनेंट टॉप पे है, तो वो उनको 14 पॉइंट मिल रहे हैं। तो वो एक ऑलरेडी स्कोर बोर्ड दिया जाता है कि अगर वो पहले पोजीशन पे वो टीम है उनको 14 पॉइंट्स मिलेगा, अगर वो आखिरी पोजीशन पे है जैसे पीवीएस है उनको मिलेगा 0 पॉइंट्स। एंड ये पॉइंट से वो शुरू करेंगे ग्रैंड फाइनल्स का पहला मैच, विच मीन्स इसका जो मतलब है, मैं सीधी साधा भाषा में बताता हूँ कि जब फाइनल्स का पहला मैच शुरू होगा होने से पहले उनके पास 14 पॉइंट होगा, मतलब रेवेनेंट के पास 14 पॉइंट होगा, पीवीएस के पास 0 पॉइंट होगा। ये एक एडवांटेज मिलता है जो लीग स्टेज में टॉप मारता है। ये हमेशा हम इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका पोजीशन टॉप पे है, अगर आप बीच में हो तो आपको उस हिसाब से पॉइंट दिया जाता है। एंड ये थोड़ा बहुत कह सकते हो कि ग्रैंड फाइनल्स के मैच शुरू होने से पहले रेवेनेंट के पास या फिर पीवीएस के पास या फिर इन सभी टीमों के पास एक एडवांटेज रहता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब चलते हैं मेरे लिस्ट के पहले टीम की तरफ। मेरे लिस्ट के पहली टीम है रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स। यस, जैसा कि मैंने कहा कि हेड स्टार्ट पॉइंट में आपको उनका देखो ऑलरेडी 14 पॉइंट उनके पास है, तो बहुत क्लियरली इनके पास एक एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है। एंड शुरुआती वक्त में इन लोगों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंसेस दिया है प्रो लीग में, आप सबको पता है कि इन्होंने बहुत लोगों को सरप्राइज किया। मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं ओवरऑल स्कोर बोर्ड में, 263 पॉइंट निकाला है, विच इज मोर देन केमिन। केमिन यानी कि पूरे सीजन के दौरान जिसने डोमिनेट किया उनको आखिरी दिन में डीथ्रोन कर दिया है। रेवेनेंट एक डार्क हॉर्स बन के आए हैं, बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज है, एंड मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं करूंगा अगर ये प्रो लीग जीत के चले हैं। मेरे लिस्ट के चौथी टीम होने वाली है केमिन ईस्पोर्ट्स। हर बार की तरह ये फिर से आ पहुंचे हैं टॉप 3 में या फिर टॉप 4 में, हमेशा उस जगह को मेंटेन करते हैं ना। हालांकि पिछले साल के कुछ एक आध टूर्नामेंट में वो फिसल गए थे, कुछ कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए थे, इसीलिए उभर के नहीं आ पा रहे थे, उभर के परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बट इस बार कुछ ऐसा नहीं है। देखिए उनके पास ऑलरेडी देखा जाए तो 12 पॉइंट है हेड स्टार्ट करने के लिए। गाइस सोचिए, ये बहुत एडवांटेजेस चीज है जो आपको मैच शुरू होने से पहले मिल रहा है, ये काउंट आउट करना पड़ेगा। आप सोचिए पहले मैच के खेलने के बिना आपके पास 12 पॉइंट, आपको 14 पॉइंट है, इसीलिए आई थिंक केमिन को आप कभी भी बाहर नहीं कर सकते। एंड जिस तरीके से कंसिस्टेंटली ये लोग खेल रहे हैं, चाहे वो राधे हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो स्वास्तिक हो, चाहे वो विजर्ड हो, क्यों ना हो, सही टाइम पे पीक किया है इन्होंने। एंड प्रो लीग में दिस इज आल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर। अब आती है बात तीसरी टीम की मेरी लिस्ट पे। मेरे लिस्ट की तीसरी टीम है निग्मा गैलेक्सी। यस, उनके पास भी 10 स्टार्ट पॉइंट है, एंड इनके पास भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इन्होंने भी बहुत सही पॉइंट पे अपना पीक पकड़ा, अपना एडवांटेज निकालना शुरू किया है। एंड ऑब्वियसली बात है इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है वासियो नाम का, जो हमेशा से हर टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आया है। और जनता, आप लोगों को पता है, आप एक चीज तो हमेशा कहते हो कि वासियो है तो मुमकिन है। मैं मेरे लिस्ट से निग्मा गैलेक्सी को बिल्कुल भी बाहर नहीं कर सकता, सो दैट इज व्हाई निग्मा गैलेक्सी इज आल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन प्रो लीग ग्रैंड फाइनल्स। मेरे लिस्ट की दूसरी टीम होने वाली है द टीम फ्रॉम नेपाल, खेल मंडप ब्रदरहुड ईस्पोर्ट्स। जिस तरीके से इन लोगों ने सबको चौंकाया है अपने परफॉर्मेंस से, इनके पास 6 हेड स्टार्ट पॉइंट भी है, बहुत बड़ा एडवांटेज हम इसे मान सकते हैं। एंड एक ही चीज से मुझे इनसे डर है, वो है कि ये ना नए हैं इन फाइनल्स में। तो जो WEC में हुआ था वहां पे ना बहुत ज्यादा चोक कर गए थे, पैनिक कर गए थे, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए थे। अगर वो चीज को उन्होंने संभाल लिया है, जिसका मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपीरियंस उनको एक मिल चुका है इंडियन टीम से खेलने का, बट प्रो लीग का ग्रैंड फाइनल्स में जरूर से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि हमें पता है कि ये खेल मंडप ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स क्या कमाल कर सकते हैं। मेरे लिस्ट की पहली टीम है, एनी गेसेस गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर से गेस करो कि मेरे लिस्ट की पहली टीम कौन होने वाली है। इट इज गोइंग टू बी नन अदर देन द डिफेंडिंग चैंपियंस टोटल गेमिंग। यस, उनके पास भी अगर देखा जाए तो
पॉइंट है हेड स्टार्ट करने के लिए, तो काफी बड़ा है ये अमाउंट। एंड यू नो आप लोग बोलोगे कि यार और भाई रेवेनेंट के पास 14 पॉइंट है, टोटल गेमिंग के पास 8 है, देखा जाए तो एडवांटेज उनके पास है। बट अगर आप गौर फरमाओगे ट्राई सीरीज में थोड़ा सा आपको मैं बैक इन द टाइम लेके चलूं, तो वहां पर टीम एलीट के पास भी 14 पॉइंट ही था, उन्होंने भी हेड स्टार्ट शुरू किया था। बट जीता कौन था? सिक्स सेंस की टीम, जो शायद 10 या 9 पॉइंट लेके आगे बढ़ रहे थे। एंड ये कभी मत सोचना कि उनके पास अगर 14 पॉइंट है तो वो एडवांटेज ले रहे हैं, और कोई अगर 0 पॉइंट पे तो वो डिसएडवांटेज पे है। गेम को पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एंड आई थिंक टोटल गेमिंग की टीम तैयार है इस बैटल के लिए, इस फाइट के लिए, क्योंकि उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स सही टाइम पे आ चुके हैं, बहुत अच्छी टाइम पे पीक कर रहे हैं। साल की शुरुआत में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं वहां पे उन्होंने अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस दिया है एंड जीता भी है। तो प्रो लीग में ज्यादा अलग नहीं करना चाहेंगे, वहां पे भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करना चाहेंगे। सो टोटल गेमिंग इज आल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस प्रो लीग के ग्रैंड फाइनल। तो ये थे मेरे टॉप 5 टीम्स। जनता को बोनस नहीं देगा? बोनस तो आप लोग तो पता कि मैं हमेशा जब भी टॉप 5 लिस्ट लेके आता हूं तो मेरा एक बोनस जरूर से होता है। तो चलिए देख लेते हैं मेरे लिस्ट के बोनस टीम कौन से होने वाली है। मेरे लिस्ट के बोनस टीम होने वाला है गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स। यस, इन्होंने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, पिछले साल से शुरू किया था, इस साल में भी कंटिन्यू रख रहे हैं। उन्होंने प्रो लीग के वीकेंड्स में भी हम लोगों ने देखा काफी शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। बस एक ही चीज का मुझे डर है, जो मुझे खेल मंडप के लिए लगा वो मेरे को गॉडलाइक के लिए भी लग रहा है, कि इन्हें बस पैनिक नहीं करना, इन्हें बस प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, जो आई थिंक अभी निवेश के अंदर आ गया है, उनके टीममेट्स के अंदर आ गया है। मुझे फील हो रहा है कि इस बार गॉडलाइक के पास भी बहुत अच्छा चांस है फ्री फायर प्रो लीग विंटर जीतेगा। एंड इससे बढ़िया शुरुआत भी नहीं हो सकता है साल के, क्योंकि सब लोगों को पता है कि इस साल में दो वर्ल्ड सीरीज होने वाला है, एंड गॉडलाइक इज रेडी फॉर इट। सो लेट्स सी, ये थे मेरे टॉप 5 टीम्स टू वॉच आउट फॉर इट दिस लिस्ट। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, अगर आप लोगों को मजा नहीं आया है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आपके टॉप 5 लिस्ट के नाम जरूर से बता के जाना, कि मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि आपके टॉप 5 में कौन है। आपसे भी बोनस जरूर से बता देना, मैं भी पढ़ लूंगा। हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हमारा गोल है 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचना, वो भी जनवरी से पहले, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।